शहर में लगातार बिजली बंद की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। साथ ही कॉल सेंटर में कॉल रिसीव नहीं होने और समाधान नहीं होने से लोग परेशान होते रहे। बता दें कि भारी बारिश के चलते तिफरा जोन के अलावा जरहाभाटा, कुदू, दंड, सरकंडा में आए दिन घंटों की बिजली गुल रहती है। मामले की शिकायत कई दफ़ा विभाग के अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। अभी देखिए, चूंकि बरसात का मौसम है, थोड़ा सा समस्या जरूर है, लेकिन हमारे जो टीम है, नीचे वाले अधिकारी हैं और ऊपर और हम सभी लोग मिल के, हमारी स्थिति ये है कि स्टैंडर्ड टाइम में जो हमारा SOP रहता है कि ग्रामीण में कम से कम 12 घंटे में हम लोग अपनी सप्लाई को नॉर्मल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 3 दिन 4 दिन वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारा प्रयास रहता है कि जितने जल्दी से जल्दी अपन सप्लाई को रिस्टोर कर सकें, और हमारा टीम 24 घंटा फील्ड में लगी हुई है, लगातार फेस कर रही है। कुछ तिपरा के कुछ क्षेत्रों में बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है, और उसका कारण भी जो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने से उनके अनुसार कारण जो बताते हैं, उसमें बिजली की अधिक खपत और कुछ ट्रांसफार्मर्स वगैरह की कमी जो कि बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स की टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है, कई बार निविदा खाली जाने के कारण लेट लतीफी हुई है, और बहुत जल्द ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली की समस्याओं को दूर किया जाएगा। कुछ जगहों में